हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे हो और पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छे से चल रही हो। एक बात का जवाब दीजिए आप कि ये जो क्लासेस जो चल रही हैं, इनको पढ़ भी रहे हो या नहीं, या वैसे ही टाइम पास चल रहा है, या फिर अपने पास्ट को ही लेकर पकड़े हुए हैं? कुछ तो ऐसे होंगे जो अपने पास्ट से ही नहीं निकलना चाह रहे होंगे। भाई निकलो, कब निकलोगे? ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब तो एक नई उम्मीद लाओ। मतलब सब लोग फिर से गिरते हैं, फिर उसके बाद खड़ा होते हैं, तो आप भी तो सोचिए उन चीज़ों को। आप कब सोचोगे? जब आपके पास जो 2-4 सालों का जो बची हुई है, जब वो निकल जाएंगे तब, क्योंकि उस उम्र पर जाने के बाद आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ये उन स्टूडेंटों के लिए जो क्लासेस की अहमियत नहीं समझ रहे, जैसे कि अगर बुद्धा संस्थान आपके लिए फ्री में चीज़ें दे रहा, तो इस चीज़ की भी आप प्राथमिकता समझो कि हाँ, कि कोई तो चैनल है जो फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करा रहा और बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ वो चीज़ों को करा रहे। मेरे द्वारा, रोहित सर के द्वारा GS और मैथ, और मंगल सर के द्वारा हिंदी, वो तो बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा रहा। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई के लिए, तो आपको कहीं भी अदर नहीं जाने की। पर सीरियस तो आप जब हो, जब कागज पीछे वाली बातों को छोड़ो। ठीक है, आज लगभग 50% से ज़्यादा, या तो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, तो आज की डेट में जो माहौल बना पड़ा ऐसा ही है कि हर कोई पास्ट को लेकर चिंतित है कि भविष्य में क्या करें क्या नहीं करें। तो इन चीज़ों को भाई नज़रअंदाज करो और अपना कोई उद्देश्य बनाइए कि हाँ, हमको ये अचीव करना, लक्ष्य बनाइए और उसके लिए सीरियस हो जाइए। ठीक है, और पढ़ने की आदत जरूर डालिए। पढ़ने की आदत से क्या होता है, चाहे स्टार्टिंग में आप कोई बेसिकली किताब ही पढ़िए, नॉर्मली कहानी टाइप या कुछ भी, कोई अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उनको भी पढ़िए। जब आप उनको पढ़ने की आदत जब आप डालोगे, तो आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, जो आपकी दिमाग की क्षमता वो अच्छे से होती है। वो दिमाग की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो किताबों को भी पढ़ने की आदत डालो। आपने देखा होगा जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, या बोल सकते हैं कि और लोग हैं, जितने भी मोस्ट पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, सभी डेली पढ़ते हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। उनमें पढ़ने का एक एक उनकी आदत है, हैबिट्स है। जब उसको पढ़ते हैं, वो किताबों को पढ़ते हैं, तो उनमें मैच्योरिटी भी ज़्यादा होती है। तो किताब पढ़ने का जरूर आदत डालिए, क्योंकि माइंड डाइवर्ट नहीं होता। फिर आपको माइंड स्थिर रहने की एक क्षमता हो जाती है, क्योंकि डेली किताब पढ़ोगे, डेली फोकस करोगे, तो आपका माइंड जो ना, एक जो बैलेंस है वो अच्छे से बना रहता है। ठीक है जी, तो अब क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल है, क्षेत्रफल चल रहा था, और क्षेत्रफल में हमने सर्किल पढ़ा रहे थे, सर्किल में भी वृत्त हमारा चल रहा था, और वृत्त जब चल रहा था तो उसके कुछ सवाल हो चुके थे, 16 सवाल करा दिए थे। 17वां सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, और आज से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बताना चाहता हूँ, क्लासेस का जो समय है वो चेंज हो गया। क्लासेस का जो समय है जी, वो चेंज हो गया। क्लासेस का समय क्या हो गया? क्लासेस का समय जो है, अब GS की आपकी क्लास जो है, GS की जो रोहित सर के द्वारा कराई जाती है, 11 AM पर मिलाकर, और मेरे द्वारा जो मैथ की क्लास है जी, वो आपको 12 AM पर मिलाकर, 12 पर मिलेगी, 12 बजे। ठीक है, दोपहर के 12 बजे मिलेगी। ठीक, दोपहर में, ठीक है, 12 बजे मिलेगी। और अगर बात की जाए कि अब आपको जो प्रैक्टिस क्लास थी, जो यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस क्लास चल रही थी जी, यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस क्लास जो चल रही थी, उसमें 50 मेरे द्वारा और 50 रोहित सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट करा दिए गए। जब 50-50 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए, तो 50 प्रैक्टिस सेट सफिशियंट है। जब एग्जाम आगा, तो उससे एक एक महीने पहले मैराथन क्लास चलाई जाए। आज से हम शुरू कर रहे हैं SSC के प्रैक्टिस सेट। SSC, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे CGL हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही स्टूडेंट ही दे सकते हैं, CPO हो, कोई भी हो, XYZ, SSC से जो भी परीक्षा कराई जाती है, SSC के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है ये यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस वाले भी इनको देख सकते हो, इनको देख सकते हो भी, जो भी राज्य सरकार द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं, वो विद्यार्थी भी इनको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख सकते, सब लोगों के लिए फायदा होगा, आपको अपनी क्षमता का भी पता चलेगा। एक भी सवाल वो ऐसा नहीं होगा जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया हो, एक एक सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ कराया जाएगा। और कुछ सवाल जो संभावित हैं, लगता है कि हाँ इस टाइप का सवाल बन सकता, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही सवाल में लैंग्वेज चेंज करके, थोड़ा सा बदल के
उसको रखवा दिया जाएगा कि ऐसा पूछा गया तो अगले बार ऐसा पूछा जा सकता। ठीक है, ये रही इंफॉर्मेशन। करंट की क्लास अब आपको मिलने लगी है और करंट भी आपको समझ में आने लगी होगी। ठीक है, नए नए टीचर्स हैं, थोड़ा करंट जैसे पढ़ाते हैं थोड़ा, जब तो आप लोग देख रहे होंगे करंट पढ़ा रहे हैं तो 2-4 दिन थोड़ा अजीब लगता है, उसके बाद सब कुछ अच्छा लगना लगता है क्योंकि नए नए टीचर हैं और हम और आप एक नए ही समझो, जो हम काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं। जैसा करंट स्टार्ट करने लगे तो करंट वाले टीचर के साथ आपका मतलब थोड़ा कनेक्शन कम होगा, पर वो आगे चलकर ठीक हो जाएगा। तो आज का पहला सवाल देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं जी और उनकी त्रिज्याओं का अंतर 7 सेंटीमीटर, इनके क्षेत्रफलों का अंतर 1078 वर्ग सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या बताइए, छोटे वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब मेरी बात थोड़ी सी समझिए आप, 1078, यदि मैं ऐसे कहूँ, मैंने आपसे बताया था कि आर की वैल्यू यदि 21 करें तो कितना आएगा जी, 1386, और आर की वैल्यू यदि मैं 28 करूँ तो कितना आएगा, 2464। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो 14 में 6 जाएगा 8, ये आया, और 15 में 108 के 7, तो ये कितना आएगा, 0 और 1, 1078 आया। कहने का तात्पर्य ये, यदि एक त्रिज्या ये 21 और 28 कर दिया जाए तो 1078 आया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या जो होती है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या जो हुई वो 21 हुई। या फिर आपको करना क्या, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करिए, क्या जी, दो वृत्त हैं, हमने माना कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये दिया हुआ 7, जबकि दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना दिया हुआ, हम करेंगे a1² - a2² बराबर किसके जी, 1078। तो ये होता जी πr², तो πr² मैं लिख सकता हूँ πr² - r² बराबर 1078। अब पाई है तो पाई की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ जी, पाई की जगह मैं 22/7 भी लिख सकता हूँ। देखिए, 11 से जब हम काटते हैं इसे, 11 से 2, 11 से 9 और 11 से 8, 200, ये कितना आ जाएगा, 49, और यहाँ पर कितना आएगा, r - ये a+b और a-b लगा देंगे हम, तो 49 × 7। अब यदि हम यहाँ पर भाग करें किससे जी, r - r से, ये कितना, 7, इससे ये कट गया और इस ये आया। ठीक, अब हमें क्या करना, छोटी की मैंने पूछ रहा था योग ये है जी और अंतर ये, तो घटा कर आधा, तो 49 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 42/2। मैंने आपको बताया था जब भी दो संख्याएं दी हों और उनका योग और अंतर दिया हो तो आपको क्या करना होता है, घटाकर आधा। तो आर ये अंतर आया 7 और योग निकल कर आया 49, 49 में 7 घटाया 42, का आधा ये। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कितना हो गया, 21 है। 18 पर आइए, एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है जी, 22 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रारंभ में वृत्त की त्रिज्या थी, प्रारंभ में जी वृत्त की त्रिज्या थी, ऐसे देख लीजिए, पहले जो त्रिज्या थी ऐसे मान के चलिए स्मॉल आर थी, और वृद्धि के बाद कितनी होगी, r+। जब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई ये इतना और ये पाई, क्षेत्रफल के लिए हम किसके कर देंगे, 22 के। रीजन्स क्या, कि a बराबर किसके होता है, वो πr² के होता है, a बराबर πr² के। तो जब या फिर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ, कोई नहीं, यदि हम ये कहें कि त्रिज्या आर है तो क्षेत्रफल पहला वाला कितना हो जाएगा, πr². यदि मैं कहूँ कि 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी तो r+1² ठीक। अब समझना मेरी बात, जो मैं समझाना चाहता हूँ, तो हम कर सकते हैं πr² + 1 + 2r, ये लिख सकते हैं। तो ये पाई मैंने अंदर लिखा πr² और प्लस का पाई यहाँ लिखा, तो 1 + 2r आ। तो ये देखिए इतने की वृद्धि हुई क्योंकि ये तो ये रहा जी a1 और a2 ये है, तो πr² ये, तो इतने की वृद्धि हुई, जबकि वृद्धि वो कितने की कह रहा जी, 22 सेंटीमीटर की हुई, तो 22 यहाँ किया आगे, पाई की जगह 22/7 रख देंगे तो 1 + 2r, 22 से 22 कट गया, तो 1 + 2r बराबर 7। तो 2r की वैल्यू कितनी आई, 6, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 3 निकल गया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा।
या फिर आपके साथ सीधा ऑप्शन है आपके पास, क्या आगे आपके ऑप्शन से कर सकते हो, पर ऑप्शन में आप जाओगे तो हो सकता है कि पॉइंटों में भी है, तो आप ऐसे ही कर लेना ठीक है, बेसिक तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। एक वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया, तो वृत्त की परिधि पहले से कितनी गुनी हो जाएगी? देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है जी 2πr, और त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, जब त्रिज्या को 3 गुना कर देंगे यहां पर कर देंगे 3r, तो 2π मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी 3 और 2πr, तो इसका मतलब परिधि कितनी होगी 3 गुना ही होगी। यदि त्रिज्या को जितना गुना हम कर देंगे उतना ही गुना हमारी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी, बात खत्म ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे फॉर्मूला बेस ही आपको पूछे जाने वाले हैं ठीक। तो ये कितना आया जी 2π और मल्टीप्लाई 3r, तो कितना आ जाएगा 2πr के हो जाएगा, और यही हमारा आंसर। क्वेश्चन भाई 3 गुना, यदि हमने क्या त्रिज्या को 3 गुना कर दिया तो परिधि भी हमारी 3 गुना हो जाएगी। 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता, तो इस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए 1000 चक्कर जब लगाता है, 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर है जी, 88 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 की गुणा कर देंगे, 1000 चक्कर में वो इतना चलता, 1000 चक्कर में जी वो इतना चलता, तो एक चक्कर में वो कितना चलेगा जी 1000 से भाग कर देंगे, वो एक चक्कर में कितना चला जी 88 मीटर चला, एक चक्कर में 88 मीटर चला। कहने का तात्पर्य ये है एक चक्कर किसके बराबर होता है वृत्त का, वो परिधि के बराबर, ये परिधि कितनी आई 88 आई, इसका मतलब एक चक्कर जो चलता वो परिधि के बराबर होता, तो परिधि कितनी आई 88। जब परिधि 88 आई तो आर की वैल्यू कितनी आती है जी, मैंने बताया था जी 14, आर की वैल्यू कितनी होगी 14, परिधि 28 है। अब व्यास की बात करते हैं तो व्यास इसका दोगुना, तो व्यास कितना हो जाएगा जी 28 ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यदि आर की वैल्यू 7 है तो परिधि 44, यदि आर की वैल्यू 14 है तो परिधि 88, और व्यास की बात कर रहा है तो 28 आ जाएगी, या फिर आप इसको पाई का मान रख लीजिए, हाँ 2×22/7, इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। बस समझ में आई, आप नेक्स्ट पर आइए। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, तो 11 किलोमीटर तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा, 11 किलोमीटर चलने में जी वह कितना चक्कर लगाएगा। अब आपको यह तो पता कि एक चक्कर किसके बराबर होता है जी, एक चक्कर जो बराबर होता है वो 2πr के बराबर होता है, क्योंकि परिधि के बराबर होता है जी एक चक्कर, क्योंकि अगर यह है ऐसे घूमेगा तो एक चक्कर पूरी परिधि के बराबर लगाया। अब वो कह रहा है 1.5 मीटर इसकी त्रिज्या, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या कितनी दूरी पर जी 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर है तो 1000 से हम गुणा कर लेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, भाई इतनी टोटल मीटर की दूरी तय करनी है, तो इसको तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, भाई एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग कर दीजिए, एक चक्कर कितना 2πr, और 2×22/7, और त्रिज्या कितनी दे रखी है जी 1.7, इससे भाग कर दीजिए, क्योंकि टोटल जो दूरी है हमें चलना 11 किलोमीटर चलना, और एक चक्कर में कितना दूरी तय करिए, तो 11 किलोमीटर चलने में कितना समय मतलब कितना चक्कर लगेंगे, कितना चक्कर लगेंगे जी इससे भाग कर देना कि भाई कितने चक्कर लगा पाएगा इतने जाने में, एक चक्कर में चलेगी दूरी। अब मेरी बात थोड़ी सी और समझिए, देखिए ये कितना हो जाएगा 11/2 ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो हम ऊपर ले जाएंगे, 25 × 7 = 175 और 25 × 4 और 4 से ये 2 कट जाए तो कितना आया जी, यहाँ पर जो निकल कर आया ये 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना आएगा जी 1000 चक्कर, 1000 चक्कर निकल कर, बस समझ आई, तो 1000 चक्करों की संख्या निकल कर, ये 7 से 7 ऐसा काटा क्योंकि 7 नीचे और 7 यहाँ पर काटने के बाद आया, तो 1000 चक्कर निकल। सात बटे 11 मीटर व्यास का एक पहिया 4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में जी कितने चक्कर लगाएगा, फिर वही कहानी चक्करों की संख्या, तो टोटल दूरी कितनी है जी, टोटल जो दूरी है 4 किलोमीटर, इसका मतलब 4×1000 मीटर के बटे हम क्या करेंगे, बटे करेंगे जी ये है जी 7/11 मीटर व्यास का एक चक्कर, तो इसका मतलब परिधि, ये चक्करों की संख्या निकालेंगे तो 4000 मीटर चलना, और जबकि एक चक्कर किसके बराबर होता है 2πr के,
टू पाई आर के, यहां पर व्यास दिया हुआ, व्यास कितना जी 7/11 और पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, तो ये आया। देखिए हम कर सकते हैं फाई डी, क्योंकि एक चक्कर परिधि के बराबर, या तो कर सकते हैं जी 2πr, या लिख सकते हैं फाई डी। अब 4 गुणा ये कितना जी 1000/, पाई की वैल्यू जी 22/7 और व्यास कितना दिया हुआ 7/11, 7 से 7 कट गया, 11 × 2 = 22 और 2 से ये, तो कितना आया चक्रों की संख्या जो निकल कर आई, वो आई निकल कर 2000। चक्रों की संख्या कितनी निकल कर आई जी, वो 2000 निकल कर आई। बात समझ में आई ना, टोटल चली गई दूरी, ये दूरी जितनी भी है मानी 4 किलोमीटर चलनी है, जबकि एक चक्कर में वो जितना चलता है उससे भाग कर दो, चक्करों की संख्या आएगी, क्योंकि 2πr एक चक्कर निकल कर आया, एक चक्कर में चली गई दूरी, तो उससे भाग कर दिए जितने चक्करों की संख्या वो निकल कर आ जाएगी, भाई 4000 मीटर में चलने में कितने चक्कर की आवश्यकता, उस परिधि पहिए का व्यास कितना होगा जो 113 चक्करों में 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करता। अब मेरी बात समझना थोड़ी सी, 2 किलोमीटर तो हम कर सकते हैं जी 2000 मीटर प्लस 26 डेकामीटर है, तो इसमें 10 की गुणा कर देंगे, मीटर में बदल जाएगा, 260 हो जाएगा, तो ये आया 2260 मीटर 2260 मीटर 113 चक्कर में चला, 113 चक्करों में 2260 मीटर की दूरी चली गई, जबकि एक चक्कर में फिर कितना आएगा 113 से भाग कर देंगे, जब 113 से भाग करेंगे तो ये कितना आया जी निकल कर 20, तो एक चक्कर में वो 20 मीटर की दूरी तय कर रहा। तो कह रहा पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, और पहिए का व्यास परिधि के बराबर होता है, ये होता है जी पाई डी, और यहाँ पर कर देंगे 22/7 और डी बराबर 20। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ी सी और समझिए, यहाँ से 2 से 10 और 2 से 11, अब डी की वैल्यू कितनी आएगी 70/11 और 11 से 6 बार 6 सही 4/11 मीटर क्या आया निकल कर व्यास। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड सवाल पूछे नहीं गए, 6 सही 4/11 और मैं आपको बता दूं और सवालों का लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे, जब ये बैच जैसे चला रहे हैं हम उस तरीके से पढ़ते रहिए, जब ये बैच ख़त्म हो जाएगा जो शाम की जो क्लासेस चल रही हैं, एक बार यहाँ पर पूरा मैथ हो जाएगा उसके बाद हम लेके आएंगे थोड़ा ठीक ठाक लेवल का बैच, अभी बिन टेंशन रहिए, हमारा और आपका कनेक्शन भी बन रहा और आपको भी हमारे जो पढ़ाने का तरीका वो भी समझ में आने लगा। ठीक, तो अगर 6 सही 4/11, उसके बाद नेक्स्ट पर आइए जी 24, एक पहिए की त्रिज्या 1.4 डेसीमीटर, तो 0.66 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या। अब मेरी बात थोड़ी सी ये समझिए, भाई 0.66 मीटर है, तो जब 0.66 मीटर है तो भाई इसको हम गुणा 1000 कर लेंगे, तो इसको बना देंगे मीटर में, चक्करों की संख्या पूछ रहा, तो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा परिधि के बराबर, एक चक्कर में किसके बराबर चलेगा जी परिधि के बराबर, और परिधि की लंबाई होती है 2πr, पाई की जगह 22/7 और r की जगह कितना जी वो डेसी मीटर है 1.4, तो 10 से भाग कर देंगे डेसी मीटर को मीटर में बदलने के लिए। अब थोड़ा सा और समझिए, क्या देखिए 1 2 और ये पॉइंट, और अगर हम और करें थोड़ा सा, तो इस पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पर 10 बढ़ा दी, ठीक, अब 22 से 3 22 से 6 7 से 2 ये हो गया, 7 से 2 होगा कि जी, अब ये कितना आया जी हम कर सकते हैं, देखिए 2 से 5 और 2 से 5, ये अपने अकॉर्डिंग कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, 5 की 5 में करेंगे 25 थी 75 और 10 ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, तो ये कितना आ गया जी 750 क्या आई चक्करों की संख्या निकल कर, 750 क्या निकल कर आई जी चक्करों की संख्या निकल कर आई, क्योंकि वो 0.66 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, जबकि एक चक्कर परिधि के बराबर होता है, उसकी परिधि से भाग कर दिया जो भी उसकी परिधि निकल कर, 25 एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर, यदि यह पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता तो गाड़ी की चाल बताइए, गाड़ी की चाल बतानी है, तो यदि R की वैल्यू 70 है, यदि R की वैल्यू 70 है तो भाई परिधि कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था 44
7 और यहाँ पर कितना है 440 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता, तो भाई एक चक्कर में तो ये आया और 10 चक्कर में कितना आएगा ये, तो 4400 सेंटीमीटर की दूरी वो 10 चक्कर में चलेगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 44 मीटर, 44 मीटर की दूरी वो 10 चक्कर में चलाएगा। तो वो कह रहा कि 5 सेकंड में तय कर लेता, तो चाल बताइए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता। अब दूरी कितनी है जी 44 मीटर बटे 5 मीटर पर सेकंड, अब किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे तो 18 बटे 5 से गुणा कर लेंगे, 18 चौक 72 7, 18 चौक 72 और 7 79 बटे 25 ये आया। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 25 से 3 बार 25 से 75 हो गया, कितना बचा 4, 25 से कम 25 ये हो जाएगा जी 31.68 किलोमीटर प्रति घंटे क्या निकल कर आएगी, चाल निकल कर आ जाएगी। 31.68 किलोमीटर प्रति घंटे क्या निकल कर आएगी, वो चाल निकल कर आए, बस सुन भाई वो चाल निकल कर आए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए, 26 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री कोण बनाती है, इस चाप की लंबाई बताइए। देखिए कंडीशन ये दी हुई है, क्या दी, ये कितना आ जी 72 डिग्री और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये कह रहा है इस चाप की लंबाई बताइए, इस चाप की लंबाई। तो मैंने आपको बताया था बेसिक, जब L की बात करते हैं तो 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री हो, क्योंकि थीटा यहाँ पर जो कुछ भी है और 360 टोटल है, तो 360 का कितना भाग है, तो हम क्या करेंगे 2 से 180 कट जाएगा, तो पाई की जगह 22 बटे 7 और r की वैल्यू जी 21 और गुणा थीटा की जगह 72 बटे ये कितना हो जाएगा 72 बटे हो जाएगा जी 180। ठीक है, अब इसको हल करना, हमें हल कैसे करेंगे जी, देखो 7 से 3 और 18 चौक 72 4 बटे 10 हुआ। अब ये करेंगे तो 4 तिया 12 हो गया और 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26 तो 26.4 सेंटीमीटर आया निकला। एल की वैल्यू 2 बाई आर थीटा बटे 360 करेंगे तो यहाँ पर पाई और आर की वैल्यू पुट करिए और थीटा बराबर ये, तो 26.4 सेंटीमीटर क्या हुआ जी इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आगे होगी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। ठीक है 27 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 3.5 सेंटीमीटर चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना। अब थोड़ी सी बात और समझिए, मैंने आपको ये भी बात बताई थी, क्या यदि ये आर है और ये एल है, तब इसका क्षेत्रफल जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं 1/2 एल गुणा आर के, याद हो तो आपको बेसिक जिस दिन बता रहा था मैंने बताया था, अगर इस कठिन सेशन में दिया हुआ त्रिज्या दी हुई है और चाप की लंबाई दी हुई है तो ए बराबर 1/2 एल गुणा आर, तो ए की वैल्यू 1/2, एल की वैल्यू कितनी है जी ये है जी 3.5 और त्रिज्या कितनी है जी 5, ये कितना निकल कर आया 25, 5 3 15 और 2 17, जब 2 से भाग करेंगे तो क्षेत्रफल कितना निकल कर आएगा, क्षेत्रफल आएगा जी 8 और ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। कि ए की वैल्यू 1/2 और एल आर करा, ये आपको हल करना सिंपल सा, तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया जी। ठीक है, इस तरीके से आसान सा सवाल पूछा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28, 28 को देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक वृत्त खंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 42 डिग्री, इस वृत्त खंड का क्षेत्र, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब की बार ये कंडीशन दी गई है, देखिए ये कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन है ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और वृत्त खंड के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है 42 डिग्री, ये है जी 42 डिग्री। तो क्षेत्रफल आपको बताना, जब क्षेत्रफल बना रहा है इस वाले वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको बताना, तो मैंने आपको बताया था क्या पाई आर स्क्वायर थीटा बटे
360 यदि आपको याद हो, तो पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी है जी 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है जी 42, नहीं 12 है, आर की वैल्यू कितनी है जी 12, और थीटा की जगह कितना है जी 42/360, ये आपको हल कर देना और कुछ नहीं। जैसे 7 × 6 = 6 × 6 = 12, नीचे 10 आया, 42 × 2 गड़बड़ कर दी क्या, वर्ग सेंटीमीटर वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना, 42 डिग्री है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 42 हो गया जी, 6 × 6 = 10 बचा, 42 × 2 = 44 और बटे 10, देखते हैं दोबारा से करते हैं एक बार, गलत तो नहीं होना चाहिए। देखिए पाई आर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में वृत्त खंड द्वारा केंद्र बनाया गया कोण, ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दोबारा समझते हैं, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है जी 12 × 12, हाँ ये छोड़ दिया था, और 42/360, ठीक है। जब इसको हल करोगे आप, देखिए ये कितना हो जाएगा जी 7 × 42 × 6 = 60 आया, और 6 × 2 = 12, ये कितना आया नीचे 10, 42 × 2 = 44, 44 में जब हम करेंगे 12 की गुणा, तो 12 × 6 = 48 और 12 × 6 = 4 = 52 बटे 10 आया, तो कितना कितना निकल कर आएगा 52.8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 52.8 क्या है जी वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आया। ये कैलकुलेशन है, अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो या मेरे अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 42.8 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आया, ठीक है, फॉर्मूला ये पुट करना और आसान सा सवाल। ज़्यादातर आपको जो अगर देखा जाए, देखिए यदि आप क्या है कि अगर एसआई तक या कांस्टेबल तक इन चीज़ों को भी करोगे तो आपको इस टॉपिक से फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल आता जा रहा, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक, एक एसएससी मेंस में थोड़ा ज़बरदस्त तरीके से बनाता सवाल, अभी एसएससी मेंस की बात नहीं चल रही, तो एसएससी मेंस को छोड़कर सारी परीक्षाओं में आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, मैथ की क्लास, जब एसएससी मेंस की बात आएगी तो वो प्रीकम मेंस आपको दिखेगा थंबनेल पर कि एसएससी प्रीकम मेंस का बैच है। एक दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी है जी 7, अब मेरी बात समझो, वृत्त खंड वाली सुई की लंबाई कितनी है जी 7, यदि 7 है तो वो क्षेत्रफल कितना आएगा, मैंने बताया था कि यदि त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154, पर वो कह रहा कि 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय कर पाएगी 30 मिनट में, अब मेरी बात समझिए, यदि कोई घंटे की सुई तरीके से मैंने बनाई घंटा, तो यहाँ से स्टार्ट होती है मिनट वाली सुई, जब 30 मिनट के बाद यहाँ पर आ गई तो ये तो आधा क्षेत्रफल हुआ, तो आर की वैल्यू यदि 7 है तो क्षेत्रफल कितना हुआ 154, और उसने आधा क्षेत्रफल या तो कितना जी 77 वर्ग मीटर पार कर जाए, कितना क्षेत्रफल पार कर पाएगी जी 77 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यदि आर की वैल्यू 7 है, ये वाली त्रिज्या 7 है और ये वाली भी 7 है, तो पूरा क्षेत्रफल तय कर पाती, 154 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल तय कर पाती, पर वो आधी दूरी चली 30 मिनट में तो आधा तय करेगी, तो इसका मतलब 77 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर। 29 सवाल आज जो है हमने व्रत के सवाल लिए और व्रत के सवालों को पूरी तरीके से समाप्त किया, 29 सवाल हमने सर्किल में कराए और 29 सवाल से आपको एक भी सवाल आपको एग्जाम में अलग नहीं देखने को मिलने वाला, ठीक, तो एक एक टॉपिकों को हम लेकर चल लें, जैसे शुरू में हमने क्या कराया था, अब हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए उनकी ओर मैं बता देता हूँ, किस किस को हमने पढ़ लिया है। देखिए सबसे पहले हमने आयत को स्टार्ट किया, आयत हमने पढ़ लिया, और वर्ग की बात की थी, वर्ग हमने पढ़ लिया, और आयत व वर्ग दोनों से रिलेटिव क्वेश्चन थे, हमने उनको भी पढ़ लिया, और चौथा टॉपिक जो पढ़ा हमने चला ये किसको पढ़ लिया, व्रत को हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट जो बात करेंगे हम त्रिभुज पर बात करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल की बात करेंगे कि ट्रायंगल से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल के बाद फिर हम करेंगे जी समचतुर्भुज पर और भी समलंब चतुर्भुज पर हम उन पर बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज पर हम उन पर बात करेंगे, तो इतने टॉपिक्स हो चुके हैं, थोड़ा लेक्चर भी लंबे जाएंगे क्योंकि एक एक जो मुद्दा है उसको उठाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं भी कोई बात समझ में आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ ऐसी समस्या, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जय हिंद।